वेलकम टू इजी लर्निंग। आज आपको आप लोगों को हम फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो होता है वो फिजिक्स का स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन ही होता है। और आप लोग को यूनिट एंड डायमेंशन में मैं पूरा शुरू से ही बता रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है उसके लिए, या फिर जो है एयरफोर्स नेवी की जो तैयारी करना चाहते हैं उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, या फिर रेलवे में टेक्नीशियन लोको पायलट के लिए भी जो है साइंस में फिजिक्स से इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ यूनिट एंड डायमेंशन में। तो सबसे पहले तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं सात होते हैं। वो फर्स्ट है लेंथ, उनका यूनिट है मीटर और उनका सिंबल है एम। सेकेंड है मास, उनका यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है केजी। थर्ड है टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड और सिंबल है एस। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, उसका यूनिट है एम्पियर और सिंबल है ए। फिफ्थ है टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन और सिंबल है के। सिक्स है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका यूनिट है कैंडेला और सिंबल है सीडी। सेवन्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको पदार्थ की मात्रा भी बोलते हैं, इसका जो यूनिट है मोल है और सिंबल भी मोल है। अब है टू डिराइव्ड यूनिट्स, टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। फर्स्ट है प्लेन एंगल, जिसका जो है यूनिट है रेडियन और सिंबल है आरईडी रेड, जिससे हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं। सेकेंड है सॉलिड एंगल, जिसका कि सिंबल जो है वो जिसका कि यूनिट है स्टेरेडियन और सिंबल जो है SR है। तो अभी तक तो हमने आपको सात फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट्स एंड देयर सिंबल बता दिए, और टू डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज जो है उसका जो है यूनिट्स और उसके सिंबल को मैंने बता दिया। अब आते हैं हम लोग की डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ जो है उसका डायमेंशन एल होता है, मास जो है उसका डायमेंशन एम होता है, टाइम जो है वो उसका टी होता है, टेम्परेचर का के होता है और चार्ज का क्यू होता है और करंट का ए होता है। तो अब हम लोग इतना तो जब जान गए तो हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट और डायमेंशन को किस तरह फाइंड करते हैं, किस तरह निकालते हैं है, वो हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं एरिया, जिसका केंद्र होता है क्षेत्रफल। तो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू लेंथ, यानी लेंथ में मेजर किया जाता है, चाहे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ को भी लेंथ में ही हम लोग मेजर करते हैं। तो लेंथ इंटू लेंथ और यूनिट जो है इसका कैसे निकालेंगे, लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में, और फिर ये लेंथ को दूसरे लेंथ को या ब्रेथ को भी मीटर में ही मेजर करते हैं। तो इसका यूनिट जो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन जो होगा वो होगा एल, क्योंकि लेंथ का डायमेंशन एल होता है, और एल इंटू एल वो जो हो जाएगा एल स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर और यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर एम स्क्वायर। सेकेंड है स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी जो भी होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डेट इज डिस्टेंस वाई टाइम। तो डिस्टेंस वाई टाइम, तो यूनिट जब इसका हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं किस में, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर बाय सेकेंड, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसके डायमेंशन को देखेंगे हम लोग, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, हम लोग इसके डायमेंशन में डायमेंशन क्या हो जाएगा एल बाय टी, क्योंकि डिस्टेंस या उसको मेजर किस में करते हैं हम लोग एल में, एल में लेंथ है और उसका टाइम को टी में, तो एल यूनिवर्स टी इसको बोलते हैं, या एल टी माइनस वन। अब नेक्स्ट है फोर्स, हम लोग लेते हैं इसको बल, जिसका हिंदी है, तो फोर्स इनटू होता है फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको फिर से हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, और ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वो वेलोसिटी ही होगा, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं लेंथ बाय टाइम और अपॉन टाइम। तो ये लेंथ बाय टाइम जो है वो वेलोसिटी को हम लोग
हमने लिख दिया है, और टाइम जो है वो नीचे है, एक्सलेशन इक्वल टू चुकी होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सलरेशन। अब यूनिट जो है इसका, मास का तो केजी होता है आप लोग को पता ही है, और लेंथ, लेंथ का तो यूनिट मीटर हो जाएगा, और टाइम का जो है सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आप वेलोसिटी में भी देखे हुए हैं इसको, मीटर पर सेकेंड, और अपॉन टाइम का फिर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा ये केजी मीटर सेकेंड, सेकेंड दोनों नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड का स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, चूँकि फोर्स का जो है वो खोज जो है बल का वो न्यूटन किए थे, तो इसी न्यूटन के सम्मान में इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन भी बोलते हैं। तो दूसरा यूनिट बल का न्यूटन भी होता है, या फिर इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। डायमेंशन जो है वो एम और इंटू एल, लेंथ का हो जाएगा एल, टाइम का टी, और फिर नीचे टाइम का टी, तो टी टी नीचे आ जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा -2, तो हम इसको क्या लिखेंगे एम एल टी -2, यानी फोर्स का जो डायमेंशन हो गया, बल का जो डायमेंशन हो गया बीमा, वो एम एल टी -2। फोर्थ है चार्ज, चार्ज का जो होता है यूनिट वो कूलम्ब होता है, और डायमेंशन इसका क्यू होता है, और इसको अगर करेंट के टर्म में हम लोग लिखें चार्ज को, तो चार्ज इक्वल टू होता है करेंट इंटू टाइम, और करेंट का तो आपको पता ही है कि ए होता है, और टाइम का टी होता है, तो चार्ज का जो डायमेंशन होगा करेंट के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ करेंट, तो ए टी हो जाएगा। हम आगे चलते हैं, फिर आगे और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट और डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे नेक्स्ट है वर्क, यानी कार्य, तो वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो आपने कितना फोर्स लगाया, और वो किसी भी बॉडी को कितना डिस्टेंस तक आपने उसको डिस्प्लेस कराया, कितना दूर तक उसको विस्थापित किया, वर्क का ये फॉर्मूला होता है, वर्क का ये डिफिनेशन भी होता है, तो वर्क इन वर्क वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स को एक बार फिर हम मास इंटू वेलोसिटी बाय टाइम में लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम जो हो गया ये क्या हो गया एक्सलेशन हो गया, तो फोर्स इंटू फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सलेशन, और एक्सलेशन को हमने क्या लिख दिया वेलोसिटी बाय टाइम, तो फिर उसके इंटू डिस्टेंस, तब मास का जो है वो केजी हो जाएगा, और वेलोसिटी का जो है वो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और टाइम का नीचे फिर सेकेंड हो जाएगा, और फिर डिस्टेंस का इधर जो है मीटर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड, मीटर बाय सेकेंड जो है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर लिख देंगे, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि बल का यूनिट है वो न्यूटन होता है, और इंटू मीटर यानी न्यूटन मीटर, तो वर्क का दूसरा यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर भी होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है टू एंड यूनिट ऑफ वर्क न्यूटन मीटर। इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमने मास का जो डायमेंशन होता है एम पुट कर दिए, वेलोसिटी का जो है एल बाई टी, और नीचे टाइम जो है टी, तो और इंटू एल, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी -2, टी ये भी नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा वन इंटू वन पावर जुट जाता है, मल्टीप्लिकेशन में 2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेन, स्ट्रेन जो होता है उसका फॉर्मूला ही होता है ये चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ इस यूनिट क्या होगा, चेंज इन लेंथ को भी लेंथ से कुछ भी रहे, चेंज इन लेंथ रहे या लेंथ रहे, इसको हम लोग मेजर करेंगे तो मीटर में ही करेंगे, तो चेंज इन लेंथ ये रहे चाहे ओरिजिनल लेंथ रहे कुछ भी रहे तो मीटर में मेजर करेंगे, मीटर बाय मीटर कट जाएगा, तो इसका नो यूनिट होगा, ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटीज है स्ट्रेन। आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन हो या फिर लोको पायलट, रेलवे के एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट, या फिर जो भी तकनीक टेक्नीशियन हो, और या फिर ये आपका ये कोई भी साइंस से रिलेटेड जहाँ भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे एयरफोर्स नेवी के भी एंट्रेंस में जो +2 लेवल पे आते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
और बहुत से सारे ऐसे कंपिटेटिव एग्जाम है, बिहार पॉलिटेक्निक में भी ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि आपको दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि इस ट्रेन का यूनिट क्या होता है, और दो तीन यूनिट दे दिया जाएगा और एक ऑप्शन रहेगा जिसमें कि रहेगा ये यूनिटलेस क्वांटिटी, तो आपको उसी में टिक करना है कि इस ट्रेन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। आगे हम लोग चलते हैं, तो अब डायमेंशन भी देख लेते हैं। इस ट्रेन का क्या होता है, इस ट्रेन का डायमेंशन होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को तो लेंथ का डायमेंशन एल हो जाएगा, और जो है ये एल बाय एल कट जाएगा, तो इनका इसका इस ट्रेन का जो डायमेंशन भी नहीं होता, ये नो डायमेंशन, यानी ये डायमेंशन लेस को फिजिकल क्वान्टिटी है। नेक्स्ट आता है एंगल। एंगल का जो होता है वो यूनिट तो होता है रेडियन, लेकिन डायमेंशन जो है इसका भी नहीं होता, ये नो डायमेंशन ही डायमेंशन लेस फिजिकल क्वान्टिटीज। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व। तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अब बाय डेंसिटी ऑफ वाटर फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड एंड लिक्विड का जो डेंसिटी का कंपेरिजन करते हैं हम, वो वाटर के रिस्पेक्ट में ही करते हैं, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी सॉलिड और लिक्विड का जो भी डेंसिटी हम लोग कंपेयर करते हैं वो रिलेटिव टू वाटर कंपेयर करते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर सॉलिड एंड लिक्विड डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब यूनिट जो है डेंसिटी का है वो आप निकाल सकते हैं, आप इतना सा मेहनत तो खुद कर लीजिए, तो वो क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब, और इसका भी क्या होगा नीचे भी केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों सेम ही चीज़ है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, यानी नो यूनिट। ये भी जो है रिलेटिव डेंसिटी जो है, चूंकि ये रेशियो है, दो डेंसिटी का रेशियो है, और जहाँ भी सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो हो वहाँ पे जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज जो है यूनिटलेस होगा। तो आपको एक एक अच्छी ये नॉलेज मिल गई यहाँ से कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर रेशियो है तो वो यूनिटलेस क्वांटिटीज होगा, और आप इस पे ध्यान रखें, इस चीज़ को नोट करके रख लें, तो आपको आगे एग्जाम में के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प होगा। और अब इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, तो डायमेंशन क्या होगा ML-3, और नीचे भी ML-3, दोनों कट के क्या हो जाएगा वन, तो नो डायमेंशन, ये डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है रिलेटिव डेंसिटी, क्योंकि ये दो डेंसिटी का रेशियो है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कौन कौन सा जो है यूनिटलेस क्वांटिटीज है। तो फर्स्ट जो है स्ट्रेन, जो कि आप इसके जस्ट पहले थोड़ा जस्ट देखे हैं इसी वीडियो में, स्ट्रेन जो है वो, उसके बाद है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये आप आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन चैप्टर में, मैं फ्रिक्शन चैप्टर का जब वीडियो अपडेट करूंगा तो उसमें ये अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ये भी आपका जो है यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी जो है आपका डायमेंशन लेस यूनिटलेस क्वांटिटीज है। और रिलेटिव डेंसिटी जो जस्ट आप इसके एक पेज पहले यानी पहले जस्ट देखे हैं, ये रिलेटिव डेंसिटी तो है ही यूनिटलेस क्वांटिटी। उसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, माध्यम का अपवर्तनांक, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये भी जो है दो मीडियम के जो है ये भी रेशियो है, तो जहाँ भी रेशियो होगा सेम फिजिकल क्वांटिटीज का वो यूनिटलेस क्वांटिटीज होगा। एक होता है नेक्स्ट है साउंड चैप्टर में आप लोग को मैं बताऊंगा जब साउंड चैप्टर का वीडियो अपडेट करूंगा, तो मैक नंबर, ये मैक संख्या भी जो है दो दो मीडियम में वेलोसिटी का जो है वो रेशियो है, तो ये भी जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटीज ही होगा। नेक्स्ट है पॉइसन्स रेशियो यानी पॉइसो का अनुपात, ये आप जो है फ्लूड मैकेनिक्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ना है, वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको अच्छे से, अभी फ़िलहाल इतना याद कर लें कि इतना जो है यानी वो ये सब जो है यूनिटलेस क्वांटिटीज है, क्योंकि एग्ज़ाम में ही अक्सर पूछे जाते हैं, और ये जो बिहार पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम होने वाले हैं इसमें तो ये सब क्वेश्चन उनका जो है एकदम टारगेट क्वेश्चन है और गेस्ट क्वेश्चन है, इस सबसे क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। नेक्स्ट है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमेबिलिटी, ये भी जो है यूनिटलेस क्वांटिटीज है। नेक्स्ट आता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता, ये भी जो है यूनिटलेस क्वांटिटीज है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ आप लोग को, स्ट्रेन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, स्पेसिफिक ग्रेविटी,
रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक नंबर, पॉइसन्स रेशियो, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिबिलिटी और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ये सारे जो हैं यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका यूनिट नहीं होता। आगे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर हर हमेशा पूछा गया। इन विच ऑफ द फ्लोइंग टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस, कौन सा ऐसा दो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसका कि सेम डायमेंशन है? तो आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वो है प्रेशर एंड एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी जो है वो मोमेंटम एंड इम्पल्स, ऑप्शन सी जो है डेंसिटी एंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी है सरफेस टेंशन एंड स्ट्रेस। तो हम लोग वन बाय वन चेक करके देख लेते हैं। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, एफ वाई यानी फोर्स बाय एरिया, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू और एरिया का एल स्क्वायर, जस्ट पीछे बताएं इसी वीडियो में। तो ये आ जाएगा क्या, एम एल माइनस वन, क्योंकि एल माइ टू है ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा, और प्लस वन तो माइनस वन और टी का माइनस टू। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस वन और टी, तो क्या हो जाएगा ये टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और एल टी माइनस टू। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि एक हो रहा है एम एल माइनस वन और नेक्स्ट एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दूसरा हो रहा है एल टी माइनस टू, तो ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, बराबर है ही नहीं दोनों का डायमेंशन प्रेशर और एक्सीलरेशन का। सेकेंड है मोमेंटम, जो कि हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं संवेग, संवेग जो होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान गुने वेग। तो मास का तो हो जाएगा एम और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, जो कि जस्ट ऊपर देखें अभी तो एम एल टी माइनस वन, और इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का टी, तो माइनस टू और प्लस वन क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो इसमें देख लीजिए आप मोमेंटम और इम्पल्स यानी संवेग और आवेग दोनों का डायमेंशन जो है सेम होगा। तो हमको आंसर क्या हो गया, ये मिल गया आंसर क्या है, जो फाइंड आउट करना था वो क्या है, मोमेंटम एंड इम्पल्स जो दो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका डायमेंशन सेम है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं, डेंसिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो ऑप्शन सही हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, जब मल्टीपल चॉइस रहे तो जहाँ पे नन ऑफ दीज या फिर बोथ नहीं रहे तो वहाँ पे तो यहीं पे आंसर कर देना है मेरे को बी की बी होगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा भी रहे कि वन से अधिक भी रहे, जहाँ ऐसा लिखा रहे कि बोथ, तो बोथ ए बी एंड सी या बोथ ए एंड बी, तो आप उसके लिए डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम तो एम एल माइनस थ्री और वेलोसिटी इक्वल टू ए टी माइनस वन, तो इसमें भी ये मैच नहीं किया दोनों का डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन जो है ये मैच नहीं किया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जो है फोर्स बाय लेंथ होता है, तो एम एल फोर्स का एम एल टी माइनस टू और लेंथ का एल, तो क्या हो जाएगा एम टी माइनस टू। उसके बाद क्या है स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, तो क्या होगा एम एल टी माइनस टू बाय एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, यहाँ भी दोनों मैच नहीं किया तो ये भी आंसर सही नहीं, आंसर जो सही है हमारा वो बी ही है जो कि यहाँ पे था, ये आंसर जो है हमारा बी ही सही है और हम इसी पे टिक करेंगे, आंसर जो है वो बी होगा। तो आप लोग को आज मैंने पढ़ाया कि कैसे यूनिट और किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट में निकालते हैं और उसका डायमेंशन निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट और उसका डायमेंशन। आपने तो सिर्फ याद कर लिया होगा कि फोर्स का ये है, लेकिन कैसे होता है वो मैंने बताया। अगर फॉर्मूला आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का याद रहे, ये याद है या उसके बारे में कुछ भी कॉन्सेप्ट याद है, तो आप उसके यूनिट को और उसके डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये किसी भी फिजिक्स के, जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लस टू का, तो वो इनिशियल चैप्टर है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, और मैंने आपको आज स्टार्टिंग पॉइंट से ही स्टार्ट किया हूँ, और आगे जो है फिजिक्स का हर एक चैप्टर का वीडियो मैं अपडेट करता रहूँगा, जीके का भी अपडेट करूँगा, केमिस्ट्री का भी अपडेट करूँगा, और मैथ के भी ट्रिक में अपडेट करता रहूँगा। तो आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें यूट्यूब के इस चैनल को, तो इजी लर्निंग, थैंक यू, आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।